स्वदेश वाणी। सूबे में धान अधिप्राप्ति योजना की शुरुआत की गई। योजना की शुरुआत राज्य के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उराव एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। अब झारखंड के किसान सीधा सरकार को धान बेच सकते हैं। सरकार किसानों की MSP मूल्य 2050 रुपए प्रति क्विंटल खरीदारी पर करेगी। पूरे राज्य में 562 केंद्र खोले गए हैं। वहीं सरकार ने इस साल 80 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। वहीं मंत्री रामेश्वर उराव ने कहा कि जो भी किसान समितियों के माध्यम से अपनी फसल की बिक्री करेगा, उसके धान के मूल्य की 50% राशि उसके तुरंत खाते में भेज दिए जाएंगे। साथ ही बाकी राशि का भुगतान 3 महीने में होगा, जिसकी गारंटी सरकार लेगी। सभी पैक्स लैंप सेंटर में धान की अधिप्राप्ति आज से शुरू है। यहाँ शुभारम्भ किए हम लोग, जगह जगह पूरे जिले में 2400 जिले में अधिप्राप्ति आज हो रही है। इसी तरह के फंक्शन के साथ हो रही है। व्यवस्था ये है कि जो किसान धान लाएंगे आज देंगे, उसका 50% मूल्य DBT के मार्फत से चला जाएगा तुरंत। बच्चे 50% को हम 3 महीने के अंदर देंगे। आप कहिए कि क्या गारंटी है कि 3 महीने में देंगे, तो गारंटी हमारे साथ ये है कि सरकार की गारंटी है। सरकार के गारंटी के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने 1522 करोड़ कर्ज दिया है। हमारा परफॉर्मेंस देख करके, विभाग का परफॉर्मेंस देख करके सरकार ने इसकी गारंटी दी बैंकों को। तो 1522 करोड़ और अपना 500 करोड़ रिवॉल्विंग फंड पहले से है, तो हमारे पास 2022 करोड़ रुपये अब इसी के अंदर में धान की खरीदी होगी। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा देना। हाँ, पैसा देने में कभी देरी होती है, सर्वर काम नहीं करता है, तरह तरह का प्रॉब्लम होता है, लेकिन 3 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे हम लोग। 3 महीने के अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। ये किसानों को आश्वस्त होना होगा, हम करना चाहते हैं ये इसको। और बाकी हमारे कृषि मंत्री हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इनके साथ है। इसको हम लोग मजबूत और करेंगे, हम लोग दोनों मिलकर करेंगे। हम जितना भी उनका कमीशन होता है देना शुरू कर दें। पिछली सरकार ने नहीं दिया था, ये जानिए। बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम अपने समय का दे रहे हैं 2 साल का, अब पिछले का देना शुरू करेंगे फिर इसके बाद। उनको बताइएगा कि बोल तो रहे हैं बड़ी बड़ी बात, लेकिन आपके कमीशन दिए हैं पैक्स को और लैंप्स को? नहीं दिए हैं। हम देना शुरू कर रहे हैं, अपने समय का दे दिए, अब पिछले समय का भी देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।